इस्लाम आउट के साथ ही अब साउथ कोरिया में हिंदूज आउट के भी पोस्टर लग रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट दिख रहा आपको? हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू भी लिखा है इसमें, हिंदू ग्यो, हिंदू रिलीजन। साउथ कोरियाज की सिटीज के नाइट क्लब्स के बाहर इंडियंस नॉट अलाउड के पोस्टर लगे हुए हैं। ये है राजवत्स जो साउथ कोरिया में रहते हैं। आज से करीबन एक महीने पहले इन्होंने यूट्यूब पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल इन्होंने डू कोरियंस हेट हिंदू और इस्लाम शॉकिंग वीडियो प्रूफ। इस वीडियो में इन्हें साउथ कोरिया में अचानक से एक वैन खड़ी दिखाई जिस पर लिखा था हिंदूज आउट इस्लाम्स आउट। गलत लिखा होगा, आग लग जाएगी। मैं पिक्चर ले लेता हूँ और इसको करते हैं ट्रांसलेट। ठीक है गाइस, ट्रांसलेटर कोरिया का ट्रांसलेटर है। पर दोस्त ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोरिया में हिंदूज और इंडियंस के साथ रेसिज्म होना एक आम बात बन चुकी है, लेकिन फिर भी यह बात उन सभी लोगों को चुभ सकती है जो के ड्रामा और के पॉप के बहुत बड़े फैंस हैं, जो कोरिया की इस इंडस्ट्री को भर भर के सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों राजवत्स अकेले ऐसे इंडियंस नहीं है जिनके साथ ऐसा रेसिज्म हुआ है। इनसे मिलिए, ये लड़की साउथ कोरिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस इंडियन लड़की के साथ साउथ कोरिया में बहुत बार इनकी स्किन और लुक की वजह से कई बार रेसिज्म हुआ। केवल इनके साथ ही नहीं, इन्होंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड के बारे में बताया जो साउथ कोरिया में टीचर की जॉब करती है। इनकी दोस्त ने इन्हें बताया कि साउथ कोरिया के बच्चे इंडियंस लोगों को लाइक नहीं करते, वह कहते हैं वी डू नॉट लाइक इंडियंस पीपल बिकॉज दे लुक लाइक मड। यानी कि कोरियंस बच्चे इंडियंस टीचर को कह रहे हैं कि हमें इंडियंस पसंद नहीं।